मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में बिलीव इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के सॉफ्ट इंग्लिश को हमेशा की तरह प्रमोट करने के साथ साथ आप देख रहे हैं ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर इस दफ़ा, और पावर्ड बाय मॉडर्न स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमेशा की तरह एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है, आपको पता ही है नाज़रीन, कि हम आपसे वो स्टार्स अपने वो लोगों को मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमत होती है बल्कि अपने शोबे में भी बहुत आला मुकाम कमाया होता है, और ये सफ़र उनका जारी सारी होता है। आज हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है। यकीन मानिए आज मेरा 104 एपिसोड होने जा रही है, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी और इतनी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, और जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, जिनकी ज़िंदगी बहुत से नशेब व फराज का सफ़र तय करते करते, और जो आज हमारे लिए एक मॉडल भी हैं, और एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक खातून होने के नाते मैं समझता हूँ लोगों के लिए रोल मॉडल का करदार अदा कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी एक पूरा लेसन है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और कहाँ तक उन्होंने जाना है, ये तो वो ही बताएंगी। एक ऐसी खातून की नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने जब आँख खोली तो शायद पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सेटल्ड फैमिली से उनका तल्लक था और है भी। जी हाँ, एक ऐसी फैमिली जिसको कहा जा सकता है जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है, उसकी वो चश्मो चराग है। उनका बैकग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो वो उनके फादर जो थे वो बहुत एक अजीम इंसानों में से थे, और एक प्रोफेशनल और एक बिजनेस कम्युनिटी से उनका तल्लक था। रमादा होटल मुल्तान, जो मुल्तान के लोग हैं वो समझ गए होंगे जब रमादा होटल का नाम आता है। जी मैं बात कर रहा हूँ मैडम अंजुम हमीद साहिबा, जो कि CEO है अंजुम हमीद ला फर्म की, और इसके अलावा एरावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान अम्बेसिडर है। इसके अलावा अ लॉट ऑफ डेजिग्नेशन उनके पास। अगर मैं वो नाज़रीन आपको बताना भी चाहूँ तो शायद मेरे ख्याल में कि कुछ बातें बाकी रह जाएंगी, और मैं चाहूँगा कि आज की इस नशिस्त में मैं एक ऐसी चीज़ें कुछ उनकी पर्सनैलिटी से आगे लेकर आऊँ जो कि आजकल न्यू कमर्स के लिए, जो दुनिया जो लोग आज अपना मुकाम खुद पैदा करना चाहते हैं, जो बहुत जल्द एक छोटी सी गलती मिस्टेक की वजह से या किसी एक्सीडेंट होने की वजह से वो अपने आप को समझते हैं कि आगे ज़िंदगी नहीं है, तो उनके लिए अगर कोई मसले रहा है तो मैं समझता हूँ मैडम अंजुम हमीद साहिबा है। तो आज का सफ़र एशियन ट्रेड टीवी का ख्वाबों से तबीयत तक का पावर्ड बाय मॉडर्न स्किल ग्रुप ऑफ कंपनीज की गेस्ट अंजुम हमीद साहिबा, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक। इस सफ़र में खुश आमदेद पावर्ड बाय मॉडर्न स्किल ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैडम मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज आप मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। लाइकवाइज जी, बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है, हमारे लिए बहुत प्लेयर है, थैंक यू। अच्छा मैडम मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र अगर मैं मुल्तान से शुरू करूँ बचपन से, तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आज कल की खवातीन के लिए बहुत बड़े एक ना एक एग्ज़ाम्पल है। आपने इतने नशेब व फराज से गुजरी आप, और इतने आपने यानी कि जुल्म तो वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, शायद थोड़ा सा कम या मुनासिब नहीं लगेगा, लेकिन रवायती तौर के ऊपर तकलीफ यानी कि आपको बर्दाश्त करना पड़ी बाप के घर के बाद, और आपकी कम उम्र की शादी एक ऐसे है, और एक ऐसी उसको लव मैरिज भी कहा जा सकता है, बिल्कुल 100% लव मैरिज थी, और आप जैसे एरिया में इस तरह की शादी का होना, फिर आपका सेक्रीफाइस करना और उस वक़्त को डिले करते जाना, एक दोनों तरह से अचानक ऐसा क्या होता है?
कि फिर उसके बाद बहुत सारी आपकी सेपरेशंस हुई, तो ये थोड़ा सा मुझे डिटेल के साथ बताइएगा, मेरे व्यूज जानना चाहेंगे। जी, आई गॉट मैरिड इन 1988। ओके। I was the youngest one among all my siblings, और मैंने समझे अपने वालिद को ज़िंदगी में एक ही बात पे बहुत नाराज़ किया है, और वो ये कि मैंने अपनी शादी अपनी पसंद से की। आई पुश्ड एंड फोर्स्ड हिम एंड कन्विंस्ड हिम कि मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ, और उसके बाद शादी चलती रही माशाल्लाह, यके बाद इकरे। अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी विद 4 children, माशाल्लाह, आ डॉक्टर एंड 3 sons, माशाल्लाह। और जब शादी हुई तो Like, I don't believe in status, लेकिन living style और उसका बहुत फ़र्क था, सोच का, living style का, हर चीज़ का, मेरे in-laws में और मेरी family में, क्योंकि we all were educated। अम्मी की, मेरी वालदा माशाल्लाह जीसी से पढ़ी हुई थी, नाना CSP officer थे, सब family, सारी जो maternal family है they were highly educated। तो चूँकि उस टाइम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, आपको प्यार के आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो ना वालिद का रोकना समझ आ रहा था और ना ही उनका समझाना समझ आ रहा था। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट मैरिड। और फिर माशाल्लाह आई रिमेन बिज़ी, एक मैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में, और दूसरा जो सबसे बड़ा समझें ये मुझे शादी के बाद पता लगा कि मेरे हस्बैंड को मेरे से लव नहीं था। उनका सिर्फ मकसद था कि उन्होंने एक रिच, हाउ टू बिकम अ रिच बिजनेसमैन। सो बाकी सारी जो इश्यूज रहे वो पर्सनल थे, मेरा ख्याल है मैं उनके बारे में ना ही बात करूँ। मतलब एक्सट्रीम 3rd degree का शक करना, एब्यूसिव और ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज और थ्रेटनिंग लैंग्वेज, वो सब एक पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा जब इश्यूज आए, जो मेरी पहली सेपरेशन हुई है, द डे माई फादर एस्टेब्लिश हिज बिजनेस और उन्हें सुजुकी की डीलरशिप लेके दी, उसके बाद ही मैक्सिमम ही सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली। उससे पहले तक की जितनी भी समझ लें, तजलील, तहजीक और वो सब सिर्फ मेरी ज़ात तक थी। सो आई बियर्ड इट, इवन आई डिडंट शेयर इट विद माई पेरेंट्स टिल 18 years have been passed of my marriage। तो जब मेरी फर्स्ट सेपरेशन हुई तो तब मेरे पेरेंट्स को दे केम टू नो कि मैं किस किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मल्टीपल सेपरेशंस हुई और हमारी बड़ी अच्छी माशाल्लाह पेरेंट्स ने समझें अपब्रिंगिंग की हुई थी, तरबियत की हुई थी, एंड वी डू बिलीव कि कोई बात नहीं। मुझे यह था कि अगर दूसरी शादी भी करना चाहता है, इफ़ ही थिंक्स कि मैं आई एम नॉट अप टू हिम, उसमें भी एतराज़ नहीं था, ठीक है दूसरे घर में रख ले। आपने कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की, खत्म बिल्कुल मल्टीपल हमारे रवायत है। और दूसरा एक बड़ा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एक जो हमारे कस्टम में पंजाबियों के, वो भी कि यह शायद पाकिस्तानियों में था बहुत ज़्यादा, जो कि अब नहीं रहा, कि शादी होगी तो मर के निकलना है। एक और दूसरा मेरे लिए डबल चैलेंजिंग था, क्योंकि शादी मैंने अपनी पसंद की थी, तो मुझे हर सूरत में ये प्रूफ करना था कि शादी कामयाब है। तो उसमें मुझे अपनी डबल ट्रिपल एनर्जी लगानी पड़ी, और मुझे सफरिंग भी मेरी ज़्यादा इसी वजह से हुई कि मैंने वालदैन के सामने बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ। खैर उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, इन 2014 माई मैरिज एंडेड इन द बिगेनिंग ऑफ दैट ईयर। और वो मेरे बच्चों की, माशाल्लाह मेरी बेटी की शादी को कई साल हो चुके हुए थे, मैं ग्रैंड मदर भी थी, मेरा एक बेटे की और भी शादी हो चुकी हुई थी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से ही फिर हमारी फाइनल वी गॉट सेपरेटेड। बच्चे भी तंग आ चुके हुए थे रोज़ की इससे अब्यूसिव, और बहुत तकलीफ दे होता है बच्चों के लिए, माँ को वो इस तरह, मतलब घर का जो है ना एटमॉस्फेयर टेंस हो तो बच्चों के ऊपर बड़ा बैड इंप्रेशन उसका, बैड भी, और बच्चे भी सफर कर चुके हुए थे बहुत। मतलब जब पहली दफ़ा इसने मुझे घर से निकाला तो कुछ बिलीव इट रात के 4 बजे हुए थे, एंड माई एल्डर सन वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जब मुझे वो ड्राइव करके 2-3 kilometers अवे मेरे पेरेंट्स का घर था तो वो छोड़ के आया, तो और मेरी ज़िंदगी, मेरा सिर्फ मेरा समझे मेरा महवर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, ये सब रहे, मेरी पिछली लाइफ सारी यही रही। और मतलब बच्चे बच्चे बच्चे, बस आप पूछे ना तुम्हारा मकसद क्या रहा लाइफ में, सिर्फ बच्चे। और मैं इस बात पे
बहुत मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है, मैंने उनकी एजुकेशन पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आई टुक अ स्टैंड उनकी बेस्ट स्कूलिंग पे, उनकी बेस्ट लाइक एजुकेशन पे। फिर ये सब इतना देख के, अब चूँकि बहू भी घर आ चुकी हुई थी, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एज़ वेल, और कि इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज और इतनी लाइक फिल्थी लैंग्वेज बार बार सुनना। सो फिर बच्चों और मैंने ही डिसाइड किया, दे शिफ्टेड मी टू अनदर हाउस। फिर पहले तो इनिशियली फैमिली ने फैसला किया, पेरेंट्स मेरे की डेथ हो चुकी हुई थी, मदर शी डाइड इन 2007 एंड फादर पास्ड अवे इन 2010, के बाहर किसी अभी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, कुछ अर्सा ये पढ़े, गैप आ जाए। इससे पहले जब मेरी पहली सेपरेशन जो सबसे प्रोलॉन्ग हुई ड्यूरेशन 2010 में अराउंड अबाउट 8-10 मंथ्स की, तो उसमें मैंने अपनी शादी के 22 साल बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वाओ, इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हुई, देन क्योंकि पेरेंट्स की डेथ हुई थी, देन आई मूव टू माई सिस्टर हाउस एट लाहौर, तो उनके साथ अटैचमेंट भी बहुत थी। और मेरे खुला का केस कर रहे थे शेख अकरम साहब के बेटे शर्जील अदनान शेख, He is like a family member to us. तो मेरी इस लाइक जो कामयाबी है, जो लाइक प्रोफेशनल कामयाबी है, उसका फर्स्ट स्टेप का सहरा जो है ना, उस शख्स को जाता है, शेख अकरम साहब, शेख अकरम साहब के बेटे शेख अदनान, शेख अदनान शर्जील अदनान प्रकाश का भाई जी, उसको जाता है कि उसने कहा कि बाजी मैं टेल्स में पढ़ाता हूँ। और इतनी डिप्रीवेशन थी बच्चों के लिए, तब मुझे 7 मंथ्स गुजर चुके थे, मैंने अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी थी, आवाज़ भी नहीं सुनी थी। तो दिस इज़ हाउ आई वेंट देयर और मुझे एडमिशन मिला एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो वहाँ पे सबसे प्यारी बात जो लगी, और सारे जो मेरे क्लास फेलोज थे वो मेरे बच्चों के एज ग्रुप थे, तो मुझे हर बच्चों में अपने बच्चे में ढूंढती थी। तो वो और टीचर्स ने मुझे बहुत अकोमोडेट किया। मैंने टिल्स लाहौर ब्रांच से की है डिग्री, और मैंने इंटरनल डिग्री की है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो जो हमारे माशाल्लाह ओनर हैं जलीस कैसर साहब, उन्होंने भी, सब टीचर्स ने मुझे मतलब एक्स्ट्रा लाइक लव अफेक्शन से पढ़ाया। और इसके बाद मुझे ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ जो मुझे पढ़ाना, सेकंड फेज ऑफ लाइफ जी। अब जब पहले साल पास कर लिया तो फिर लाइक इट वाज सरप्राइजिंग कि मैं, लेकिन मुझे पढ़ाने का सारा जो मेरी एजुकेशन का ये लॉ डिग्री का सारा सहरा मेरे सीनियर फर्म पार्टनर है सर अली अहमद, उनको जाता है। वो मुझे भी पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे क्लास फेलोज भी मेरे घर आ जाते थे। और बल्कि पहले साल में आपको मज़े की बात बताऊं, मैं फर्स्ट पेपर दे के आई तो आई कॉल्ड हिम एंड स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने नहीं देना पेपर, मुझे पेपर बहुत गंदा हुआ, मुझे लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप घर आ जाएँ, फेल हो जाना कोई बात नहीं, आप समझे कि ऐसे बस आप अपना टाइम से लाइक स्पेंडिंग योर टाइम। तो फिर अगला साल जब मैंने क्लियर कर लिया तो फिर हाँ कि नहीं, आई शुड डू इट, कम्प्लीट इट। तो मैंने फिर अपनी डिग्री कम्प्लीट की, फिर मैं इंटर्नशिप की एडवोकेट जनरल ऑफिस में, मेरा लास्ट वीक था, 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है। तो बड़ी ये भी एक थ्रिलिंग एडवेंचरस बात है कि मैं लाइक हाई कोर्ट में चाय पीने के लिए गई हुई थी, तो सीनियर लॉयर्स बैठे हुए थे, तो वो चाय हमने इकट्ठी पी, तो उन्होंने कहा कि अंजुम लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, चलोगी? तो मैंने सर अली को पूछा कि आप, मैं जा सकती हूँ? उन्होंने कहा श्योर। तो मैंने कहा ले चले, मुझे ना चीफ जस्टिस को देखने का बहुत शौक है। तो उस वक्त कौन थे चीफ जस्टिस? मियाँ साकिब ने साथ, मियाँ साकिब साहब। तो दिस इज़ हाउ आई वेंट देयर। और वहाँ पे लाइक मुझे नहीं पता था प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल लाइक कॉलेजेस का फीसिस का केस चल रहा था, तो वो सारी मैंने हियरिंग्स देखी। और मैंने सर अली के कान में पूछा कि मैं एक बच्चे के लिए वॉइस रेस कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, जस्ट रेज योर हैंड। तो मैंने हाथ खड़ा किया तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, वहाँ से मुझे एक टाइटल मिल गया, खातून वकील जी बताएं। तो बड़ी लाइक दबंग आवाज़ है उनकी, उन्होंने उस दबंग आवाज़ में मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना सारा बताया कि आई एम फ्रेशली ग्रेजुएटेड और जस्ट कम्प्लीटिंग माई इंटर्नशिप, और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मिलने आई हूँ ये प्रोसीडिंग देखने, लेकिन मैं एक बच्चे के लिए वॉइस रेस करना चाहती हूँ। तो मेरी नेबरहुड का बच्चा था जो कि उसको ब्लड डिजीज़ है एंड उसको ही वॉज़ वेरी एम्बिशियस टू बिकम अ डॉक्टर। तो वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज वालों ने लाइक उसका इंटरव्यू भी हो गया, 12 लाख रुपीज़ अ ईयर फीस पे डिसाइड हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा 35 लाख। तो वो मैंने उसके लिए वॉइस रेस बनी, ये मेरी समझे पहला एक स्टेप था। और उसके बाद मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू मियाँ साकिब निसार,
आई सी माई फादर इन हिम। उन्होंने माशाल्लाह मुझे जिस तरह काम करने दिया, मैंने 18 मंथ्स उनके साथ काम किया, वॉलेंटियर काम किया, मैंने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस किए उसमें, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आयशा हद का किया, शाहमुद कुरैशी की बहन का किया, फ़खर इमाम की बहन का किया, एक आम से आम रक्षे वाले की बीवी से लेकर जिसका भी मैं जाके बाहर पूछती थी कि जो लोग आए हैं जो तो उनके पास कराया भी है जाने का या नहीं, या जो मैं जो कर सकती थी, सीएसआर के हवाले से आपने काफ़ी यानी कि तो, और मैं उन्हें फिर कोर्ट में असिस्ट करती थी, कोशिश होती थी जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी एप्लीकेशन पहले लाइक एड्रेस की जाएँ। तो इस तरह और उनकी भी बहुत मेहरबानी की, मुझे बेटा बेटा कह के बुलाते थे, और अभी तक क्या मेरा आखिरी सांस तक उनके साथ रिलेशन रहेगा। मैं साकिब निसार साहब की बात कर जी बिल्कुल, बावजूद के इसके वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिफरेंट पॉलिटिकली। हाँ, मुझे एक थोड़ा सा क्योंकि आपके वो मेरा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी समझ लें कि इवन इट व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली पेरेंट्स माय किड्स एंड लाइक माय सिबलिंग्स माय कोलीग्स इफ आई अटैच विद समवन मैं उसके बारे में बुरा कहना तो दूर की बात सुन नहीं सकते। अच्छी बात, बहुत अच्छी तो बात, लोगों के अपने व्यूज हैं मियां साकिब निसार के बारे में, लेकिन उन्होंने वो काम किया जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं, पॉजिटिवली चीजें भी देखी, इसीलिए लोग जो है ना उसको चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो बाकी कोई भी फरिश्ता नहीं, किसी से भी कोई गलती कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए आप यकीन जाने हर हॉस्पिटल में वार्ड्स बनी गरीब लोगों के लिए जो कि कभी भी नहीं थी। उन्होंने वो नेक काम किए मेरे सामने। एक बच्ची लाइक आई, शी वॉज डम डेफ बॉर्नली, उसका उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करवा के दिया। बहुत सारे काम हैं मुझे याद अच्छी तरह, स्पेशली जो पाकिस्तान की आम आवाम है ना, जो आम लोग जिनको पॉलिटिक्स का इतना अंदाज़ा नहीं है, वो मोबाइल कंपनीज के हवाले से बहुत मियां साहब को याद करते हैं कि उन्होंने मोबाइल्स के वो जो अभी जब ये रिडक्शन थी वो उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट जब से आई है ना उसने वो सब खत्म कर दिया था। अब वो उन्होंने खत्म किया था तो इन्होंने दोबारा से पॉसिबल नहीं था, मोनोपोली है पाकिस्तान में हर चीज़। जो गरीब लोग हैं ना या जिनके लोग बाहर लेबर क्लास है उनका लाइक एक सोर्स ऑफ कनेक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट टेलीफोन तो वही, तो अगर उससे डिप्राइव हो जाएंगे। इन्होंने इतने मल्टीपल टैक्सेस इम्पोज कर दिए, मैं यकीन जाने मुझे गरीब लोग मिलते हैं ना वो कहते हैं प्लीज़ उनसे बात करें, आप चीफ साहब से, उन सारे के बुलाते चीफ साहब थे, तो मैं कहती हूँ कि वो बहुत हैं लेकिन अभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मैडम इसके ऊपर मज़ीद बात होगी क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने CSR के हवाले से। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैडम अंजुम हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। इस वक्त हम लेंगे एक स्मार्ट सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मैं चाहती हूं कि जी हम सब उनकी आवाज़ बने, कैसे हम उनकी सपोर्ट बने, जैसे मैं आपको बता नहीं सकती अभी भी स्टिल लाइक इस प्रोफेशन में भी एज अ लॉयर भी और एज अ ह्यूमन बींग भी मेरी हतुलवसा कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके उनकी मदद की जाए। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाई मॉडर्स्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैडम अंजुम हमीद साहिबा किसी तारुफ के मुहताज नहीं, और आज अपनी ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम सब के लिए। मैडम थोड़ा सा ये बताइएगा, मैं मेरी अपनी जस्तजू के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए एक बहुत ही लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन की बेटी जिसका एक बहुत बड़ा अम्पायर की तरफ मुल्तान में बिजनेस है, रमादा होटल 5-star 4-star में आता है, उसकी बेटी अचानक से मुख्तलिफ जगहों से गुजरती हुई, उसके लिए ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, ऐसा क्या हुआ? फिर आप जब जॉब में आ गई, वो आपका शौक़ तो हो सकता है, मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन ये सफ़र इतना ईजी नहीं था, ये थोड़ा सा ये बताइएगा मेरे व्यूज के लिए। अगर आपको एक बात बताऊँ, जब लोग पूछते हैं ना, एक तो मैंने कभी गलत बयानी नहीं की जी, ठीक है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में भी अपीयर होती थी तो सब कहते थे ये क्यों कहती हो कि यू आर फ्रेशली ग्रेजुएटेड, तो मैं कहती थी गलत बयानी नहीं करनी, हमें घर वालों ने नहीं सिखाया, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, और आज के दिन तक भी कोई बात करता है तो मैं यही कहती हूँ। दूसरी बात मैं कहती हूँ जो सब के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायरेशन है, कि इट वॉज़ नॉट जस्ट अ सिंपल डिग्री, आई वॉज रिलेशनलेस, I was penniless, I was portless. यही और मैं एक बहुत अहम यहाँ पे बात मेंशन करना चाहूँगी, मैं उन तीन फरिश्तों को सल्यूट करती हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स के थे, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, जानने वाले, उन्होंने मेरी फीस अदा की, ओके, सपोर्ट किया आपको मॉरली भी और फाइनेंशियली भी। सबसे बड़ी फाइनेंशियली कि मेरी जो
मेरी एजुकेशन के इस वाली डिग्री के फाइनेंसिस का सहरा तीन लोगों का जाता है, क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया, लेकिन मैं हर टाइम उन्हें कहती हूँ कि आप लोग फरिश्ते इंसानों के रूप में, तो ये मतलब एक टीम वर्क है, लाइक किसी का कोई हिस्सा है, जैसे सर अली ने पढ़ाया, शर्जील अदनान ने एडमिशन लेके दिया, इन लोगों ने मेरी फ़ीस दी, क्योंकि उस टाइम चूँकि हमारी अलहदगी हो चुकी हुई थी, प्रॉपर्टीज़ मेरे फादर ने जितनी बना के दी हमारी जॉइंट थी, तो उस पर उसने सारा लाइक ही पुट मी इन लाइक हेल ऑफ लिटिगेशंस, तो वो उस टाइम इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं सबको कहती हूँ, पहली बात तो मैं सब पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, बेटियों की आवाज़ ज़रूर सुने। कैसे? अगर वो आगे अपनी तो नहीं बन सकती अपने राइट्स के लिए जेनवली तकलीफ़ बता रही हैं तो उसको सुने, या उनको खुद भी नज़र आ रही है, एक बंदा जो रखना ही नहीं चाहता बार बार घर से निकालता है, और इतनी किरदार, जो सबसे बड़ी तकलीफ है बात किरदार कशी, लाइक अभी भी आप पूछे ना कि अंजुम किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया, तो मुझे हर्ट किया है, मुझे अजियत दी है, एक किरदार कशी ने, और या जब वो मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कोई बात करता था, वो मतलब मैं कहती थी मेरा गला दबा बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी ला ही क्यों, इस फील्ड में ही क्यों आई, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी आप कर सकती थी। मैं आपको बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आगे फर्दर लाइक एजुकेशन की तरफ जाऊंगी या कुछ, ये लाइक आइडिया क्रेडिट सारा शर्जील अदनान को जाता है। क्या आप इस सारी एटिनोर से गुजरी थी, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आपने समझा कि मैं इसी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी? कि सर मैं ये जो बैठी हुई अंजुम हमीद, ये टोटली डिफरेंट अंजुम हमीद है। वो कैसे, थोड़ा सा बताइए, ये मेरे ये व्यूज जाना चाहेंगे प्लीज़। मैं जब तक उनके साथ रही हूँ, अपने एक्स हस्बैंड के साथ, आप यकीन जाने मैं लिफ्ट में अकेले जाने से डरती थी, आई वॉज लाइक दैट पर्सन, मुझे इतना हरेस करके सारी ज़िंदगी ये रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं जो अंजुम हमीद बैठी हूँ, जो मैं माशाल्लाह किसी भी कोर्ट में किसी भी शहर में अकेले जाके लाइक चली जाओ, जाके कोर्ट्स में पियर हो जाओ या लोगों से मिलना है या कुछ, तो सिर्फ लाइक अब आई जस्ट फियर ऑफ गॉड ओनली, नोबडी एल्स। अंजुम हमीद की अगर मैं दो लाइंस में या दो फिक्रों में तारीफ करूं आज के इस टाइम में, तो अंजुम हमीद क्या है या क्या है? मैं अपने वालदैन के लिए बाइस फ़ख्र हूँ, और मैं बाइस फ़ख्र रहना चाहती हूँ रियली। मैं आपके ना लाइफ में क्या हासिल करना चाहती हैं, तो मैं अपने लेट पेरेंट्स के लिए बाइस फ़ख्र बनना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली के लिए भी, जब उनके लिए ऑनर होगा तो ऑब्वियसली मेरे सिबलिंग्स के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी ये ऑनर की बात है कि उनकी माँ ने किस तरह जदोजहद की है, गिव अप नहीं किया। एंड एक और जो इशू आपको नहीं पता, आई हैड 13 मेजर सर्जरीज, जिसमें दो मेरी मेजर ट्यूमर की सर्जरीज हैं और एक मेरा मैसिव ब्लैडर हेमरेज है। और बहुत रेयर सर्जरी होती है, तो मैसिव, बिल्कुल, मैं जी एशिया में वाहिद फीमेल हूँ जिसका ब्लैडर हेमरेज हुआ, आई ट्यूमर की सर्जरी, लाइक यूटेरस की ट्यूमर की सर्जरी, इस तरह मल्टीपल और प्रोसीजर्स भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने लाइफ में गिव अप नहीं किया। इस चीज़ के लिए मेरी औलाद को भी बाइस फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी माँ ने तन तनहा लाइक किस तरह की एक तवील जदोजहद की है, और लाइफ में हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और ये एक अमानत है, तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्या हमने इसके साथ क्या किया कि हम डिप्रेस होके लोगों पे बर्डन बन जाएं और या किसी साइकेट्रिक वार्ड में आप एडमिट हो जाएं। इससे बेहतर है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करें और आगे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। और अपना नाम बनाने से ज़्यादा ही होता है कि आप अपनी फैमिली को ऑनर दे रहे हैं, ये कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किन बच्चों की माँ हैं, आप किन बहन भाइयों की बहन हैं, किन दोस्तों की आप दोस्त हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे नेम होते हैं ना आपकी और फैमिली इसमें के। और मेरी लाइक इस सारी फाइनेंशियल स्ट्रगल में मेरी फ्रेंड्स का जी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको ये सारे जितने जब तक लाइक मेरे एक्स हस्बैंड से मेरी लिटिगेशन वगैरह सेटल नहीं हुई थी, तब तक आई सल्यूट देम, उन्होंने मेरे घर का खर्चा उठाया, बहुत बड़ी बात है, फॉर गुड 3 years। Amazing, I swear, और मेरी हर लाइक अभी तक, इतने साल हो गए, इंसान थक जाता है, घबरा जाता है, उन्होंने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। अच्छा मैडम, आप तो इस मामले में बड़ी खुश नसीब थी, जैसे आप बताया आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर, अच्छी फ्रेंड्स भी असर आ गई, जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा
किसी ना किसी हवाले से आपको सपोर्ट किया, सबसे बड़ी बात होती है मॉरल सपोर्ट, मॉरल एंड इमोशनल, इमोशनल तीन, उसके बाद फाइनेंशियल। लेकिन हम जिस रीजन में रह रहे हैं, जैसे हम पंजाब की अगर बात करें, आप हर तीसरी कहानी, आपको हर घर की कहानी में से अंजुम हमीद साहिबा ज़रूर नज़र आती होंगी। बहुत सारी आवाज़ों को बैठा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो अडिए डिसीजन खवातीन नहीं कर पाती, ये सब कुछ सहने के बाद भी कि उन्होंने कुछ आगे करना है कि नहीं। तो बतौर एक लायर तो मैं आप हैं, लेकिन ख़ातून तो उससे पहले भी हैं, और आप इस सारे फेज से गुजरी है, बहुत कुछ सीखा है, नो डाउट आपके अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है आप पर कि आप इतना सारा कुछ होने के बावजूद, 13 मेजर सर्जरीज होने के बावजूद भी आज आप माशाल्लाह बहुत ही अपनी रवायती वो मुल्तानी जो लैंग्वेज है मीठी सी, ठीक है, और खुश अखलाकी की वजह से मेरे सामने बैठी हैं। आप उन खवातीन के लिए जिनका कोई आवाज़ सुनने वाला, आवाज़ बनने वाला और उनको उस चीज़ों से निकालने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान जैसे पंजाबी माशरे में, आप क्या करना कुछ चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि जी हम सब उनकी आवाज़ बने। कैसे? हम उनकी सपोर्ट बने। जैसे मैं आपको बता नहीं सकती अभी भी स्टिल लाइक इस प्रोफेशन में भी एज अ लॉयर भी और एज अ ह्यूमन बींग भी मेरी हतुलवसा कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके उनकी मदद की जाए। आपको फॉर्म, पहला नंबर तो एक फोरम इस तरह के, मैं ह्यूमन राइट्स की आपने जैसे बताया, वर्ल्ड द मोस्ट लाइक लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है रावा, उसकी वाइस प्रेसिडेंट और एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान के लिए, और इसके अलावा मैं एट माई ओन भी, लेकिन मैं ये चूँकि मुझे आदत मेरी वालदा से बहुत रिलीजियस थी और मैं उसमें से आई है खामोश, जैसे मोहब्बत कहते हैं खामोश इबादत, कि लोगों की हेल्प खामोशी से करनी है, ठीक है, और पेरेंट्स ने ही कॉन्फिडेंस देना बच्चियों को, वो एक जुमले में है ना लाइक कुएं को समंदर में बंद किया है कि बच्चियों की आवाज़ सुने। बच्चियों का ये कि तुम्हें ब्याह दिया बस ठीक है जाओ, दफा हो जाओ मर जाओ, हमें भी जैसे सुना था। मेरे लिए ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया था कि शादी चूँकि मेरी अपनी पसंद की थी। और आप एज ए स्कॉर्पियो वैसे भी थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा ज़रूर होता है उसमें, स्कॉर्पियो बहुत दलेर होते हैं, बहुत दलेर लेकिन होते हैं एंड का उनको, लेकिन अपना विजन जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है, लेकिन बहुत दफ़ा अभी भी लाइक ये इट्स रियलिटी बीइंग फैक्चुअल के बहुत दफ़ा मैं इमोशनली कोलैप्स भी होती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ट्रिगर करती हैं, स्पेशली जो मैंने बहुत ज़्यादा जंग लड़ी है ना आपके फाइनेंस की, या कुछ मैंने रिलेशंस की जंग लड़ी है बहुत, बिल्कुल भी अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने वालदैन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा लाइक रिलीजन भी सबसे पहले सवाल इसी का है, बीइंग अ मुस्लिम भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था रिश्तों को। मैडम अंजू हमीद को मैं फ्यूचर में कहाँ देखता हूँ? अच्छा एक और आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जैसे एक तो अब तो मैं एज लाइक मेरी क्रॉस कर चुकी है जुडिशरी में, हर उसके लिए एज है, चाहे लोअर कोर्ट्स के लिए, उसके लिए मुझे शायद एज कम भी होती तो कभी भी ये शौक नहीं था कि मैं कोई सी जुडिशरी की तरफ जज बनूँ या कुछ, क्योंकि वो एक लिमिटेड आपकी लाइफ है, फिर आप एक आम बंदे की तरह नहीं जी सकते और एक आम बंदे को हेल्प आउट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है आपकी बातचीत, आपकी मूव, आपकी टॉक। तो एक और मेरे जो लाइफ में सबसे ज़्यादा शौक रहा वो टू एक्सप्लोर पीपल, लोगों को जानना, लोगों को एक्सप्लोर करना, और एक सबसे बड़ी ख्वाहिश जो मेरे में दिल में अभी तक भी है, मुझे अभी भी याद है जब मैं सर अली की स्टूडेंट बनी तो सर अली ने मुझसे सवाल किया कि आपका क्या एम ऑफ लाइफ है, तो मैंने कहा सर मैं ना एक अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहती हूँ जिसमें तीन तीन मरले के उनके घर हों, और इसके अलावा मुझे और कोई वो नहीं। मुझे आज तक नहीं हुआ कि मेरा कई घर हों या मेरे बैंक बैलेंस हों या कुछ, और गॉड फियरिंग होने की वजह से मैं मतलब मेरी मैं ये ऐसा कर नहीं सकती कि मैं किसी मुलाजिम से भी ऊँची बात करूँ या कोई बात, वो मैं कहती हूँ मेरी फैमिली, आई नेवर कॉल देम मुलाजिम और वो कुछ, दे आर लाइक फैमिली मेम्बर्स, और बाकी यही मकसद है कि आगे इसी सफ़र पे चढ़ते हुए मैं इंशाल्लाह ताला इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करूं, इसमें इससे ज़्यादा मैं अपना नाम बनाऊं और जितनी हो सके मैं लोगों की हेल्प, CSR के वाले थे, जितना हो सके जी हो सके मैं लोगों की हेल्प करूं। और मैं भी आपके साथ नाज़रीन मैडम की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि अपने
उन एम्प्लॉयज़ के लिए, गरीब लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहती हैं, तो इस चीज़ को जितना मैं रेज कर सका थ्रू एशियन ट्रेड टीवी और थ्रू यानी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के, हम आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। और इस सारे टिनोर में आपने बार बार एक शख्स का नाम लिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर अली अहमद। ठीक है बासने जी, ही रिमेन माई लाइक स्पोर्ट। उन्होंने सर मुझे पढ़ाया नहीं, तो ही इज़ टू यंग फ्रॉम मी और यंगर टू मी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने एक जो बाप वाली शफकत होती है, जो भाई वाला मान होता है, जो प्यार होता है, मुझे वो कॉन्फिडेंस सर ने दिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जब आप अल्लाह ताला से हेल्प मांगते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला बहुत सारी इस तरह के वसाइल आपके लिए पैदा करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब वसीले अल्लाह ताला, हम मुसलमान हैं, इंसान हैं, लोग काम अल्लाह ताला ने करना है, लोग हमें से ही चुनते हैं और हमें एक दूसरे का वसीला बना देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह मुझे, मैं सर को कभी भी नहीं मिली हुई थी, सर भी मुल्तान में थे, मैं भी मुल्तान में थी, सर एट दैट टाइम ही वाज टीचिंग इन सम रिनाउंड इंस्टीट्यूट, उसके बाद उन्होंने शेख अकरम ज्वाइन कर लिया था, वो लाहौर थे, मैं मुल्तान थी, लेकिन जब मैं उनकी स्टूडेंट बनी तो मुझे पहले तो लाइक उनकी जो लाइक फिजिक और वो जो थी रिजेंबलेंस मेरे फादर से थी, और मेरा छोटा बेटा मेरा बहुत ऑब्सेशन, लाइक सारी औलाद प्यारी है, तो वो मुझे सारा टाइम एक डिप्रीवेशन थी, तो जो मैं ढूंढती थी कि किधर से मुझे मेरे बच्चे नज़र आ जाएँ या मिलें, तो लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है, मैं जहाँ आज खड़ी हूँ ये सब मेरी दोस्तों का, जिन्होंने मेरी लाइक फेसेस दी उनका, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका, मेरी दोस्तों का, मेरे सर अली अहमद का, मेरी बड़ी बहन का, इन सब का बहुत रोल है। उन्होंने, मैं नहीं पहुँच सकती, नहीं बिल्कुल, हमेशा इंसान किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी रिश्ते में, तभी आगे बढ़ता है। नो डाउट। तो जी नाज़रीन, वो सर अली अहमद साहब जिनका मैडम ने बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू में जिक्र किया है, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि अली अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के अगले समय आप देखेंगे अली अहमद साहब के स्पेशल व्यूज़ जो मैडम के बारे में, कि वो क्या सोचते हैं और उन्होंने इनको कैसा पाया, और नो डाउट आज मैडम के नज़र में जो उनका मुकाम है वो ऐसे नहीं बन गया। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यकीन जाने लोग तो बहुत बड़े बड़े लाइक है जो जो टॉप लाइक है लीगल फ्रेटर्निटी है उनके पास जाते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लाइकिंग है उनके पास जाते हैं। आई एम एन ऑर्डनरी पर्सन, मुझे कोई कहे तो अंजुम हम तुम क्या, तो मैं कहती हूँ आई एम एन ऑर्डनरी पर्सन, बट आई लव मीटिंग पीपल, एक्सप्लोरिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल, तो ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आप मेरे पास आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बट यानी कि यू आर नॉट ऑनरी पर्सन, ठीक है, मेरे नज़दीक, क्योंकि हमारे मकसद, हमारा कंपनी का, हमारा स्लोगन और हमारा पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम करना है, हम आप जैसे लोगों को आगे लेकर आते हैं। आपके बताया ना, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आपकी जो ज़िंदगी है, जो नई खवातीन है आने वाली, जो जिनके ऊपर आज भी जुल्म हो रहा है साइड एरियाज़ में, जिनके वॉइस को रेज करने वाला कोई नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकती हैं। और वैसे एक हकूमती सतह पर भी ये काम करना चाहिए जी। बिल्कुल करना चाहिए, कि ये जिसे इन्होंने तहसीलदार वगैरह बनाए होते हैं, इन सारे ऑलरेडी हैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं, अब इन्होंने पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन, पुलिस स्टेशन हर बड़े शहर में, ज़िले में एक, तो ये सारे विलेजेस वगैरह में भी वो अपनी बात कर सके। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारी गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। शाहिद साहब, मैं आपकी और मॉडल स्टील वालों की, दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में, और मेरे साथ अली अहमद साहब मौजूद है जो कि मैडम अंजुम हमीद साहिबा के टीचर हैं। जी अली साहब, वेलकम बैक, कैसे हैं आप? खैरियत? जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अली साहब, आप वो वाहिद शख्स हैं सर जो मेरे इंटरव्यू में 11 दफ़ा मैडम ने आपका जिक्र खैर किया, आपको बहुत अच्छे अल्फाजों में याद किया एज ए टीचर, और आप कितनी रिस्पेक्ट और इतना सॉफ्ट रिस्पेक्ट करते मैंने उनको देखा है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिल से इतनी रिस्पेक्ट किसी की करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे भाई, मेरा बाप, और इससे ज़्यादा मुकाम आपको देने की कोशिश की। उन्होंने कहा आज मैं जो कुछ हूँ उनमें से एक बंदा अली अहमद एडवोकेट साहब हैं जो मेरे टीचर हैं, जिन्होंने बगैर किसी लालच के मुझे पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। तो सर, हाउ डू यू फील आज, आपको कैसा लग रहा है? आपका वो स्टूडेंट जो आज किसी मुकाम पर पहुँच गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो किसी भी इंसान की ये खुशकिस्मती होती है कि लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद करें,
और मैं आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने इतने अच्छे अल्फाज में याद किया, और आज बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं उनको देखता हूँ कि वो ज़िंदगी में एक मुकाम पे पहुँच गई हैं। एक वो खातून जब पहली दफ़ा मेरे पास मेरी मुलाकात हुई है करम शेख साहब के ऑफिस में, और एक खौफजदा एक डरी हुई खातून जब इन्होंने लॉ में आई, लॉ में पहली दफ़ा इनके ये पेपर में थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ तो ये शी वॉज़ क्राइंग। उस वक्त मैंने इन्हें कहा कि दो चीज़ें याद रखिएगा ज़िंदगी में, नंबर एक, कोई आपके साथ नहीं होता, देर इज़ नो वन विद यू, आप ही हैं सब कुछ पूरी दुनिया, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास ऑप्शन है, आपने हंसना है या रोना है, या तो आप अपने पास पे अपने सारी प्रॉब्लम्स पे बैठ के रोना शुरू कर दें, या पछताना शुरू कर दें, या लोगों को कोसना शुरू कर दें, या आप सोच लें कि आज के बाद पीछे मैंने लाइन फेर दी है, आज से मैंने आगे बढ़ना है एंड आई कैन डू इट। ओके, ये अपने आप को बताना है। शी फेल्ट इट के शी कैन डू इट, और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, और आज अल्लाह ताला ने देखें कहाँ इनको मुकाम दे दिया है। तो सर, ये जब आपके पास आई थी वो ये रिवायती खातून थी, और इनके ऊपर एक देखा जब बहुत एक जैसे आप उनकी स्टोरी को समझते हैं सर, तो आपके लिए भी एक चैलेंज था कि भी मैडम को, यानी कि आप देख रहे थे, आपका एक था दूर अंदेशी का तकाजा कि मैं आप देख यहाँ तक पहुँच पाएंगी? मैं तो इनको बहुत आगे देख रहा हूँ सर, अभी भी बहुत आगे देख रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि सबसे पहला जो हर्डल आता है ना सर, एक औरत की करेक्टर असैसिनेशन, या और एक मर्द का एक औरत से मिलना जो है वो एक बड़ा मसला हो जाता है। अब जब उन्होंने मुझे कहा कि इनको पढ़ाना है तो पढ़ाना कहाँ है, इनके घर जाना है तो लोग जो भी देखने वाले हैं वो कहते जी एक जवान औरत और उसके घर में एक नौजवान लड़का आ रहा है तो पता नहीं क्या सवाल, 100 सवाल उठेंगे। फिर हमने ये डिसाइड किया कि आप किसी होटल में, ये कैफ़े होता था बारबरा, उसकी ये वहाँ पे कैफ़े बारबरा में आ जाती थी, वहाँ एक ओपन सी विंडो थी जहाँ वो सारा शीशा वगैरह लगा हुआ था, वहाँ इन्होंने सारा दिन बैठे रहना, मुझे जैसे दफ्तर से 2 घंटे की छुट्टी मिलनी मैंने वहाँ पढ़ाने जाना, वहीं इनको लेसन देना, इन्होंने अपने नोट्स बनाने, बना के इन्होंने जब एग्ज़ाम में बैठी तो इन्होंने, इनका एक ही मसला था रिटेंशन पावर नहीं सर, सर मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ याद नहीं रहता। मैंने इन्हें कहा जो हर बच्चे के लिए भी यही मैसेज है कि याद रखिए, जब किसान बीज फेंकता है ना खेत में हल चलाने के बाद, तो उसको इमीडिएट रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, आपको उस बीज को पानी देना होता है, उसको फर्टिलाइज़ करना होता है, उसको पेस्टिसाइड करना होता है, फिर आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको हरियाली नज़र आती है, फिर वो फसल पकती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करके आगे कैसे लेके जाना है, उसकी एग्जीक्यूशन ये सारा आप, अगर हम देखते हैं कि आज हमने ये काम किया तो कल हमें रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट हमारी एक बेसिक सोच है, यही इन्होंने इस चीज़ को समझा। मैंने कहा जी आप पढ़ते रहें, छोड़ दें रिजल्ट क्या आ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि शी वॉज दी स्टूडेंट जिन्होंने 3 साल में सर तीनों साल क्लियर किए, एक भी सप्ली नहीं आई। इंटरेस्टिंग। और फिर जैसे इनका वो आगे वकालत का सफ़र शुरू हुआ तो साकिब निसार साहब की अदालत में जैसे जाके इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, वहाँ पे इन्होंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प आउट किया, ये सारी इनकी वो अंदर की मोटिवेशन थी। वो एक खातून जिसको मैं देखता हूँ कि 23-30 सर्जरीज हुई हुई हूँ, वो सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक अदालत में खड़ी होकर एक पाँव पर काम कर रही है, बड़ी मेहनत है सर, बहुत बड़ी मेहनत। सर लोग समझते हैं ना कि ये प्रोसेस, ये काला कोट पहन लिया, ये आज थोड़ी कामयाबी नज़र आ रही है, सर 86,400 सेकंड्स एक दिन में होते हैं इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग सर, आपने एक एक सेकंड मुश्किल हो जाता है सर, और आपने 3 साल का एक ऐसा पीरियड गुजारना जिसमें ना कोई बात करने वाला हो आपके साथ, ना आपको पूछने वाला हो, ना पैसे हों आपके पास, और उसमें आप ये मेहनत करें और आज जहाँ पे खड़ी हैं, मैं तो सलाम कर पेश कर। अली अहमद साहब खुश नसीब है मैडम अंजुम हमीद साहिबा भी जिसके पास आप जैसी अपॉर्चुनिटी के शेप में अच्छे टीचर उनको मैसर आए, नो डाउट इस कौम को जहाँ जहाँ भी अच्छा टीचर मिला है किसी न किसी शेप में, इस कौम के बतौर कौम भी हमने बहुत तरक्की की है। ऐसे तो सर मैं आपके लिए भी यानी कि दुआ गो हूँ
और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे हम इसी प्लेटफॉर्म से। तो सर आपका भी अगेन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। और तबीयत तक के सफ़र में आप हमारे गेस्ट थे जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका ये जो एफर्ट है ये लोगों को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराना, लोगों के ख्वाबों की तकमील में उनकी मदद करना, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपको अल्लाह बहुत जज़ा देगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाजरीन, आप देख रहे थे अंजुम हमीद साहिबा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यकीनन हमेशा की हमारी एपिसोड की तरह ये भी एपिसोड आपको, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, आपको बहुत पसंद आई होगी। और हम मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक नए स्टार के साथ। इस उम्मीद के साथ, ज़िंदगी रही तो ज़रूर उम्मीद सहर रख, क्योंकि यही दिए जलेंगे तो रोशनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।